हेलो व्यूअर्स, मैं आज फिर एक नया वीडियो लेके आया है। आज मैं आप लोग को दिखाएंगे अनबॉक्सिंग करके एक मोबाइल फ़ोन है, तो कौन सा मोबाइल है, कितना दाम है वो भी बताएंगे। तो वो मेरा पार्सल है, आप लोग देख सकते हैं, मैं अमेज़न से ऑर्डर किया है। बहुत अच्छी तरह से पैक करके भेजा है, क्योंकि बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है, फ्रॉड हो जाते हैं, किसी का साथ चोरी कर लेते हैं लोग, इसलिए बहुत अच्छी तरह से पैक करके लोग भेजा है। तो पहले ऐसा करता था, क्योंकि वो लोग टेप लगा के दे देता था पैक करके, आजकल टेप लगा के नहीं देते हैं वो लोग सील पैक करके देता है, क्योंकि किसी का साथ फ्रॉड ना हो, कोई चोरी कर ना ले, इसलिए बहुत अच्छी तरह से वो लोग भेजते हैं, क्योंकि उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, इसका वजह से बहुत सेफ्टी है। तो आप जब कुछ भी सामान है लेने का समय पे खोल के लीजिएगा, सबसे अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं अमेज़न से ऑर्डर किया है वो पार्सल, तो अभी वो काटने वाला है, काट के आप लोग को दिखाएंगे उसका अंदर क्या क्या मिलने वाला है, उसका रेट भी कितना है, अगर किसी को लेना है तो कैसे ले सकते हैं आसानी से। तो मैं एक साइड से काट रहा है, आप लोग देख सकते, मैं निकाल रहा है वो, उसका अंदर बॉक्स भी है, उसका अंदर ही होगा मोबाइल चार्ज, क्योंकि बहुत सेफ्टी है। अमेज़न से अगर कुछ भी परचेस कर दे तो वो लोग बहुत सेफ्टी के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि इतना महंगा है तो महंगा चोरी, अगर कोई भी मोबाइल अगर दूसरा कुछ सामान लेंगे फिर भी वो लोग मतलब ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए वो लोग ऐसा करके भेजते हैं, अगर बॉक्स डैमेज हो गया तो कुछ भी प्रॉब्लम है, इसलिए किसी के साथ ऐसा ना हो। तो मैं वो भी काट रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो वो है मेरा मोबाइल फ़ोन, उसका अंदर होगा, तो आप लोग देख सकते हैं मेमोरी कितना है, उसका रैम कितना है, प्राइस कितना है, उसमें देखा है 34,999 रुपीस उसका प्राइस है, आप लोग देख सकते हैं। वन प्लस मेमोरी है 256 GB, रैम है 12 GB, तो इसका प्राइस भी उसमें लिखा है, जो कि दिखाया है। तो ऊपर का हिस्सा में भी दिखा देते हैं कैसा है देखने में। तो अभी कैसे ओपन करना है उसमें दिखाया गया है, ओपन बहुत आसानी से खुल सकते हैं वो। तो अभी मैं बॉक्स खोलने वाला है, बॉक्स का अंदर ही होगा मोबाइल, तो आप लोग देख सकते हैं वही है मेरा मोबाइल जो मैं ऑर्डर किया था। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं उसका बॉक्स का अंदर दूसरा कुछ सामान मिल जाते हैं, तो ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है, अच्छा है। अगर आप लोग ऑर्डर कीजिएगा तो आप लोग का साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तार क्या क्या मिलने वाला है उसका अंदर से मैं आप लोग को दिखाएंगे पूरा। तो मेरे का एक पिन भी मिला है, सिम लगाने का जगह खोलने के लिए पिन दिया है।
एक कार्ड भी मिला है, रेड केबल क्लब एक कार्ड मिला है। स्कैन टू क्लेम योर, मतलब क्लेम कर सकते हैं, और किसी को कुछ दिक्कत आया तो स्कैन करके अपनी शिकायत कर सकते हैं उसमें। तो गाइडलाइन दिया है, क्विक स्टार्ट गाइड, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ के आप उसी हिसाब से फोन कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है पढ़ना। फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ सब, इसमें क्या क्या लिखा है। और केबल जो है टाइप सीखा है, तो मैं रख देता हूँ। और क्या क्या मिला है वो दिखाएंगे। तो वन प्लस का कुछ स्टिकर मिला है, पिन भी मिला है छोटा, और कवर भी मिला है मोबाइल का, आप लोग देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट है, वो फ्री मिला है, उसमें पैसा नहीं चाहिए। तो एक चार्जर मिला है, एक केबल टाइप सी मिला है, आप लोग केबल देख सकते हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। चार्जर भी थोड़ा बड़ा है, वो फास्टेस्ट चार्जर है, 25 मिनट में होल चार्ज हो जाएंगे, 20-25 मिनट में पूरा फुल हो जाएगा 100। अभी मैं मोबाइल ऑन करके आप लोग को दिखाएंगे इसे ऑन करना है। वो साइड का हिस्सा आप लोग देख सकते हैं, देखने में बहुत अच्छा है। जो सिम लगाने के लिए जगह है और निचली हिस्सा में है नीचे का तरफ, तो कैमरा देख सकते हैं, तीन कैमरा है। तो मैं अभी मोबाइल ऑन करता हूँ, और जो ऑन करने के लिए बॉटम जो है वो साइड में है, तो हल्का सा प्रेस करना है। आप लोग देख सकते हैं वन प्लस आ गया है, और फ्रंट कैमरा है, स्टार्ट करना है।
एग्री, इंटरनेट कनेक्ट करना है तो मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, सिम भी लगाना है उसके अंदर, तो सिम कैसे लगाना है वो भी दिखा देते हैं आप लोग को। हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं, ज़ोर से नहीं करना है। आप लोग देखा है खुल गया है, हल्का सा प्रेस करने से खुल जाएगा। दो सिम लगा सकते हैं आप लोग, तो सिम कैसे लगाना है वो भी दिखा देते लगा के। बहुत इजी है सिम लगाने के लिए, तो थोड़ा बैठा के थोड़ा प्रेस करना है बस, अच्छे से बैठ जाएंगे, तो बाद में उसका अंदर घुसा देना, बस हो गया। सिम उसमें डाला है, मैं उसका अंदर सिम डाल रहा है, मैं आप लोग देख सकते हैं। हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, तो वाईफाई कनेक्ट करना चाहिए। तो मैं वैसे कनेक्ट कर लिया, तो मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया, आप लोग देख सकते हैं। ईमेल आईडी बनाना है, न्यू क्रिएट, हम नया करके बनाएंगे ईमेल आईडी, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद पासवर्ड बनाना, उसके बाद आपका हिसाब से ईमेल आईडी बनाना है, आप कैसे भी बना सकते तो नेक्स्ट नहीं हो रहा है उसमें, क्योंकि ऑलरेडी उसी टाइप से मैं बनाए हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। तो अभी मेरा रेडी हो गया मेल आईडी, गूगल सर्विस अब देख सकते, एक्सेप्ट करना है, एग्री करना है, तो मेरा पासवर्ड बनाना है अभी, तो अभी फिंगरप्रिंट यूज़ कर रहा है, क्योंकि पासवर्ड भी बनाना है, नंबर दे के भी बना सकते, पैटर्न दे के भी बना सकते, फिंगरप्रिंट से भी बना सकते हैं आप लोग। फर्स्ट बनाएंगे तो पासवर्ड, नहीं तो पैटर्न, बाद में फिंगरप्रिंट ऐड करना है। तो मेरा फिंगरप्रिंट ऐड हो गया, अगर अभी सेल्फी लेने के लिए बोल रहे हैं, सेल्फी भी आप लोग ले सकते हैं, नहीं लेने से भी चलेगा, कोई बात नहीं है।
थोड़ा समय ले रहा है। ऑन होने में थोड़ा समय लग रहा है। ये बहुत लंबा समय ले लिया, लोग देख सकते हैं। तो मेरा पासवर्ड डाल दिया। वेल डन। तो फाइनली मेरा मोबाइल ऑन हो गया, आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले।
कैमरा भी देख सकते हैं, कैमरा क्वालिटी कितना अच्छा है। अगर वो किसी को लेना है तो वही मोबाइल आप अमेज़न में जाके ऑर्डर कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे के रखेगा, तो किसी को ज़रूरी है तो ले सकते हैं आसानी से। अगर कैश ऑन डिलीवरी किसी को लेना है तो कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी लेना है ले सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुत आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। ऊपर का डिस्प्ले देख सकते हैं कितना सुंदर है देखने में, बैक साइड भी बहुत अच्छा है देखने में। कलर जो भी है वो भी बहुत अच्छा है, अगर किसी को दूसरा कलर लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, दूसरा कलर भी अवेलेबल है। मेरा जो पसंद आया वही कलर मैं लिया, और आप लोग के हिसाब से आप लोग दूसरा कलर भी ले सकते हैं, उसमें बहुत सारा कलर अवेलेबल है। वो भी लगा के दिखा देते हैं आप लोग को कैसे लगाना है। टाइप सी का चार्जर है, आप कैसे भी करके ला सकते हैं, लगा सकते हैं, दोनों घुमा कर उल्टा करके आसानी से आप लगा सकते हैं। तो आज इतना ही है, अगर किसी का पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।